फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लाइफ साइकिल ऑफ पायरेलिया परपोसिला, या फिर आप कह सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ शुगरकेन लीफ हॉपर। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ शुगरकेन लीफ हॉपर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यह वर्ष भर जनन करता है, यानी इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो पूरे साल चलता है। इसके बाद एक मादा यानी एक फीमेल 300 से 500 अंडे प्रतिवर्ष देती है। एक वर्ष में एक फीमेल 300 से 500 अंडे दे सकती है। इसके बाद अंडे गर्मियों में पत्ते के निचले भाग पर देती है तथा ये अंडे एक सफ़ेद पदार्थ से ढके रहते हैं। तो जो फीमेल होती है वो शुगरकेन के प्लांट की लीव्स के नीचे वाले पार्ट में अपने एग्स को देती हैं और लाइंस में देती हैं, मतलब एक ही जगह पर कई लाइंस में अपने एग्स को देती हैं तथा ये अंडे एक सफ़ेद पदार्थ से ढके रहते हैं। और ये सफ़ेद पदार्थ मादा के एनल टॉप से श्रावित होता है, मतलब जो एग्स होते हैं वो ऐसे पत्तियों पर नहीं रुक सकते निचले भाग पर, तो उन्हें चिपकाए रखने के लिए जो फीमेल्स होती हैं वो अपने एनल टॉप से एक वाइट कलर का लिक्विड फॉर्म निकालती हैं, जिससे जो एग्स होते हैं वो पत्ते से चिपके रहते हैं। और पत्तियों पर यह अंडे 3 से 5 लंबी कतारों में लगे रहते हैं, एनल टॉफ द्वारा चिपके रहते हैं। और ये जो अपने एग्स देती हैं वो लाइंस में देती हैं, 3-4 लाइन एक जगह पर होंगी, सीधी सीधी लाइंस होती हैं, लाइंस में अपने एग्स को देती हैं। गर्मियों में इन अंडों में 7 से 22 दिन में निम्फ निकल आते हैं, मतलब जब समर सीजन होता है हमारा तब एग्स क्रैक होने में 7 से 22 डेज का टाइम लगता है और निम्फ निकल आते हैं। बट यहीं पर अगर विंटर होता है तो विंटर में ये टाइमिंग लंबा जाता है और निम्फ को बाहर आने में टाइमिंग लगता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यही दिया है आपको, सर्दियों में निम्फ अधिक समय लेते हैं बाहर आने में। इसके बाद मैंने आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें लीफ हॉपर एग दिखाए गए हैं, उसके बाद शुगरकेन लीफ पर एग्स दिखाए हैं और एग को क्रैक होने में 7 से 22 डेज का टाइम लगता है समर में, और 22 डेज बाद हमारा निम्फ निकल आता है। निम्फ के बाद बनता है हमारा अडल्ट, और अडल्ट बनने का प्रोसेस अभी थोड़ा सा और है। तो ये थी आपकी लाइफ स्टेज ऑफ पायरेलिया परपुसिला। यहाँ पर मैंने अडल्ट का फिगर नहीं दिया है, वो मैं आगे देने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं, ये निम्फ शुरू से ही पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारे एग्स क्रैक हुए क्रैक होने के बाद निम्फ निकलता है, और जो निम्फ निकलता है वो शुगर केन की लीफ से रस चूसना शुरू कर देता है, शुरू से ही अपनी डाइट लेने लगता है। 5 मॉल्टिंग के बाद अडल्ट बन जाता है। गर्मियों में 6 से 8 हफ्ते तथा सर्दियों में 4 माह का समय लेता है अडल्ट बनने में। तो जो निम्फ होता है वो अडल्ट बनने में समर में 6 से 8 वीक्स का टाइम लेता है। यहीं पर अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में ये 4 मंथ्स का टाइम लेता है, यानी काफ़ी लंबा टाइम लेता है अडल्ट बनने में। मेल का जीवन काल 5 से 7 हफ्ते तथा फीमेल 5 से 8 हफ्ते तक जीवित रहती है। पूरे वर्ष में लगभग 4 बार इनका लाइफ साइकिल पूरा होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो मेल्स होती हैं उनका जो जीवन काल होता है यानी लाइफ होती है वो 5 से 7 वीक्स की होती है, और फीमेल्स की लाइफ होती है वो 5 से 8 वीक्स की होती है। अगर वहीं पर हम बात करें पूरे साल की, तो पूरे साल में लीफ हॉपर यानी शुगरकेन लीफ हॉपर अपनी 4 पीढ़ियों को जन्म दे सकता है। यहाँ पर यही लिखा गया है कि पूरे वर्ष में लगभग 4 बार इसका लाइफ साइकिल पूरा हो सकता है। तो अब देखते हैं हम शुगरकेन लीफ हॉपर की अडल्ट फॉर्म में इसमें 1 पेयर आइज, 3 पेयर लेग्स और 2 फिन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी अडल्ट स्टेज। अगर आपने स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और डैमेजेस के साथ।